देव मुरारी दास के धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ने का पहला लिखित प्रमाण सन 2004 का है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी ने एक प्रमाण पत्र जारी करते हुए उन्हें अपने यहाँ से घोषित वैरागी संप्रदाय का होने की पुष्टि की है। जाहिर है कि इससे पहले भी ये धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और वाचन से जुड़े रहे होंगे। इनके साधु के रूप में दीक्षित होने और अयोध्या के संत समाज में अपनी खास पहचान बनाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री और तब के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। गोरक्षपीठ के अध्यक्ष योगी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी की सक्रियता लगातार बढ़ रही थी, तो अयोध्या भी इससे अछूता कैसे रहता। युवा देव मुरारी जो अक्सर समाज के मुद्दे उठाते रहते थे, उन्हें हिंदू युवा वाहिनी में अयोध्या की नगर संयोजक के रूप में जिम्मेदारी मिली। ये 2007 का दौर था जब केंद्र और राज्य कहीं भी सत्ता में भाजपा का दूर दूर तक नाम नहीं था। देव मुरारी संतों और हिंदू समाज के मुद्दे लगातार उठाते रहते और श्री राम कथा कहने के अपने अनूठे तरीके से लोगों का मन मोहते रहे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर दिया। वाहिनी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त था। इसी मुद्दे पर गोरखपुर में हिंसा भड़क गई और आगजनी की घटनाएं पूरे पूर्वांचल में फैलती चली गई। इस आंदोलन में देव मुरारी ने प्रभावी भूमिका निभाई। योगी ने उनकी योग्यता को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य बना लिया। यही नहीं, एक दिन योगी आदित्यनाथ का देव मुरारी दास से राम कथा सुनने का संयोग बना। योगी उनके कथा वाचन के कायल हो गए और गोरखनाथ मंदिर में अपने दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि पर राम कथा कहने का न्योता दे आए। लोग बताते हैं उस साल राम कथा सुनने को मंदिर में तांता लगा रहता। देश की कांग्रेस सरकार उस दौरान राम सेतु को विकास में बाधक बता तोड़ने की कोशिश में लगी थी। इसी दौरान राम कथा कहते हुए देव मुरारी ने कहा, राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने वालों का स्वयं अस्तित्व मिट जाएगा। देव मुरारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए आज कांग्रेस किस हालत में है। अपने आंदोलनकारी तेवरों के द्वारा देव मुरारी बापू ने शून्य से पड़े संगठन में नई जान फूंकी। इन आंदोलनों में देव मुरारी बापू ने अपनी आक्रामक भूमिका ऐसी निभाई कि तबके के प्रदेश मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को कहना पड़ा कि संत समाज अपनी सीमा में काम करे। साल आ पहुंचा 2012। आम जनमानस के लिए ये बस एक साल भर था, पर ये साल बापू के लिए जैसे एक युग हो। कुछ महीनों पहले जो बापू हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे, अब वो पीस पार्टी में थे। जी हाँ, आपको बताते चले कि पीस पार्टी एक मुस्लिम अधिकारों को बढ़ावा देने वाली पार्टी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बापू आज हिंदू हृदय सम्राट थे, वो कल एक मुस्लिम समर्थित पार्टी के नेता बने। लोग बताते हैं कि उन दिनों बापू ने योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती देते हुए हिंदू युवा वाहिनी के पद पर लात मारने की बात भी खुले मंचों से कही थी। आखिर क्या वजह थी इस अदावत की? साल 2012 में ही विधानसभा चुनाव भी थे। पीस पार्टी ने मौका न चुकते हुए देव मुरारी बापू को स्टार प्रचारक बना दिया। एक साल पहले तक पैदल सूबे का दौरा करने वाले बापू अब हेलीकॉप्टर से चुनावी दौरों को संबोधित कर रहे थे। चुनाव खत्म हुए और पीस पार्टी की राजनीति। बापू अब फिर राजनीति की मझधार में खुद को बीच में खड़ा पाते। अब अदावत का सिलसिला पीस पार्टी से चला और बापू ने हेलीकॉप्टर की जगह फिर पैदल यात्रा को चुना। उसी समय राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। संत समाज ने बापू को राम जन्मभूमि विवाद के समन्वय सदस्य की जिम्मेदारी दी। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान का सफलतापूर्वक अभियान चलाया और 10,000 संकल्प पत्रों को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। साल आ पहुंचा 2014। मोदी लहर के चलते देव मुरारी बापू भाजपाई हो गए और मोदी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और 2017 में देव मुरारी बापू ने सांसद योगी से अपने पुराने मतभेद भुलाते हुए मुख्यमंत्री बनने का स्वागत और समर्थन किया। साल 2018 तक समीकरण फिर बदले। देव मुरारी बापू ने मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी देव मुरारी बापू ने पार्टी को विजयी बनाने में जी जान लगा दी। कांग्रेस की जीत भी हुई, पर इसी दौरान कांग्रेस समर्थित कंप्यूटर बाबा से बापू का विवाद हुआ, जिसका देव मुरारी बापू ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि तुम होगे कंप्यूटर बाबा, आज जमाने को लैपटॉप की जरूरत है और वो लैपटॉप हम हैं। अभी हाल ही में देव मुरारी बापू ने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास नाम के संगठन की स्थापना की है,
जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण भूमि पर मस्जिद को हटाकर पूरे कटरा केशव देव भूमि पर मंदिर निर्माण के रास्ते को मजबूत करना है। फिलहाल देश के हर राज्य में न्यास के पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिससे कि देशव्यापी संगठन पूरे देश के लोगों को जोड़कर जन जागरूकता अभियान चला सके। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स समय से मिलते रहें। राम राम।